करेंगे रजत दलाल वर्सेस कैरी मिनाटी की कंट्रोवर्सी के बारे में, देन थगेश और पुनीत सुपरस्टार की भी कंट्रोवर्सी हो गई, देन यहाँ पे मिस्टर बीस्ट ने फिर से रिप्लाई दिया टी सीरीज को, और भी बहुत सारी न्यूज के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लाइक और कमेंट भी कर दो ताकि यूट्यूब को पता चले आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। नाउ स्टार्ट करते हैं सीधा न्यूज के साथ। तो भाई हम बात करने वाले हैं उस वायरल वीडियो के बारे में जो कि कैरी मिनाटी है, जिसकी वजह से कल यहाँ बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो गई। तो ये कॉन्ट्रोवर्सी हुई है रजत दलाल वर्सेस कैरी मिनाटी के बीच में। तो रजत दलाल जिनकी तो आज से पहले बहुत बार कॉन्ट्रोवर्सी होती रहती है, तो उनकी एक वीडियो थी जिसको यहाँ पे कैरी मिनाटी ने रोस्ट करा था, एंड वो वीडियो बहुत थी जब रजत दलाल यहाँ पे मैगडी में गए थे कुछ टाइम पहले, एंड मैगडी में जाके वो वहाँ के स्टाफ को यहाँ पे अब्यूज कर रहे थे क्योंकि वहाँ के स्टाफ ने रजत दलाल को बोला था कि भाई आप रेस्टोरेंट के अंदर यहाँ पे फिल्मिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो रजत दलाल उनका रिप्लाई करते हुए बोले थे कि भाई ऐसे तो कोई रूल लिखा ही नहीं है, तो मैं रूल फॉलो क्यों करूं, और ये वीडियो वायरल हो गई थी। बट कल कैरी मिनाटी ने इसी चीज को रोस्ट करा। तो सबसे पहले तो कैरी मिनाटी ने यहाँ पे रजत दलाल का एक नया नाम रख दिया और वो नाम है माइटी राजू, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे रजत दलाल के बिहेवियर के ऊपर भी बात करी, जहाँ पे उन्होंने उनके बिहेवियर को चाइल्डिश बोल दिया था और बोल दिया था कि भाई आप तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनने निकले थे, छपरी बन के रह गए। एंड इस वीडियो के अंदर कैरी मिनाटी ने और भी काफी सारे लोगों को रोस्ट करा था, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को लग रहा था कि भाई यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी जो होगी ना वो रजत दलाल के साथ ही होगी, क्योंकि जब ये वीडियो आई थी तो उसी टाइम कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे कमेंट्स आने लग गए थे जहाँ पे एक बंदे ने लिखा था कि भाई ब्रो स्टॉपिंग होल जनरेशन फ्रॉम बींग छपरी, एंड अगले ने लिखा था कि भाई इस बंदे ने पूरी कंट्री को बचा लिया छपरी और निम्बा बनने से, एंड अगले ने लिखा था कि एक नया लफड़ा होने वाला है कैरी मिनाटी और माइटी राजू के बीच में, एंड अगले ने लिखा था कि भाई पहले यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हुआ था, अब यूट्यूब वर्सेस रील्स होने वाला है, एंड गेस व्हाट, जो इन लोगों ने सोचा था वो सच में हुआ। रजत दलाल ने इस सारे कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर ना अपनी एक रिस्पॉन्स वीडियो डाली अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, और वहां पे क्लेम करा कि भाई उन्होंने ना कभी ट्रोल करा कैरी मिनाटी को, और रजत दलाल ने इस वीडियो के अंदर वही जोक मारा जो कि वो हमेशा हर वीडियो के अंदर मारते हैं दूसरों को ट्रोल करते टाइम कि भाई तेरी हाइट तो इतनी है, तो उन्होंने वही बोला कि कैरी मिनाटी और 5 फुट ही है, एंड बाद में ये बोला कैरी मिनाटी को कि भाई इस वीडियो को ना यहाँ पे ट्रिम कर दो जो कि उनका पार्ट है वीडियो के अंदर, या फिर वीडियो को डिलीट कर दो वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे। आपके दादा मंत्री थे ना, वो आपके दादा मंत्री थे, आप चूत लो। तो भाई देख लियो जैसे तेरे को हिसाब किताब बिठाना हो, अभी प्यार से बोल रहा हूं, उसके बाद थोड़ा टेढ़ा हिसाब आएगा, ख्याल रख। एंड रजत दलाल की इस वीडियो के अंदर भी यहाँ पे लोग कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे रजत दलाल को। तो यहाँ पे कुछ कमेंट्स है जो कि आप लोग देख सकते हैं कि भाई तेरा करियर खा जाएगा वो, अगला बोलता है वो 5 फुट एक गुज्जर है, अगला बोलता है माइटी राजू गुस्सा हो गया, अगला बोलता है इस बार गलत भिड़ गया, कैरी को फुल सपोर्ट, एंड अगला बोलता है भाई तू ओपनली गलत काम करता है, ओवर स्पीडिंग और अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता है पब्लिक प्लेसेस में, जैसे कि मैगडी के अंदर करी थी, उसके ऊपर कोई कुछ बोल दे तो तेरे पिछवाड़ा जल जाता है, तू क्या समझता है तेरे अराउंड ही दुनिया घूमती है क्या, स्टोरेज कम ले दिमाग पर असर पड़ रहा है तेरे। एंड और भी कुछ कमेंट्स है कि भाई हम कैरी मिनाटी को सपोर्ट करते हैं, एंड भाई वो कैरी है मैक्सर नहीं है, एंड इसके बाद कुछ क्रिएटर्स भी है जो कि इस सिचुएशन पर रिएक्ट करते हैं, जहां पे पीपो ही बोलते हैं कि कैरी मिनाटी को सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो रोस्ट था ना वो काफी अच्छा था, और उनको नहीं लगता कि भाई यहां पे कुछ भी ट्रिम करने की जरूरत है, ये सरकास्टिक था, एक अच्छी कॉमेडी थी और इसके साथ साथ कुछ अच्छे फैक्ट्स भी थे, क्योंकि हम देखें तो यहां मोदी जी को कोई दिक्कत नहीं हो रही जब ध्रुव राठी उनको डिक्टेटर बोल रहा है, पर यहां पे इनको सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही। एंड क्रेजी दीप यहां पे ये बोलते हैं कि रजत दलाल ना यहां पे क्लाउन है क्योंकि जो मीम पेज उसे अभी तक सपोर्ट कर रहे थे अब वो भी गालियां देंगे इसे, एंड क्योंकि अब ये ड्रामा इंस्टाग्राम से ट्विटर के ऊपर भी आ गए थे तो ट्विटर की जनता ने भी इस चीज के ऊपर रिएक्ट करा था, जहां पे उसने बोला था कि भाई ये बंदा ना अपने आप को डिक्टेटर समझता है कि कोई बंदा इसके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकता और सारी दुनिया को यहाँ पे मां बहन की गालियां देता है और कोई इसको कुछ बोले ना क्योंकि ये गैंगस्टर है। एंड इसके बाद यहाँ पे कैरी मिनाटी की कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज आती है जहां पे वो कुछ ये बोलते हैं, काफी थक गया हूं मैं इस साल के स्टार्टिंग से काम कर रहा हूं, जब भी सोचता हूं ब्रेक लेना है तभी कुछ ना कुछ आ जाता है, बट मेरे को बहुत मजा आता है ये करने में, और अब मुझे 3 दिन मिले छुट्टी के तो भाई मैं पीस में रहूंगा एकदम, और थैंक यू भाई मुझे ये मौका दिया आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना पाऊं हर दिन, और ये मेरी ड्रीम जॉब थी जो कि आप लोगों की वजह से पूरी हुई है। एंड नेक्स्ट स्टोरी में ये बोलते हैं, मैं वैसे ये सब बोलता नहीं पर चलो आज शेयर ही कर लेता हूं, जो भी लोग यहां पे भाई फीलिंग लॉस्ट कर रहे हैं या फिर उनकी लाइफ जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है, तो भाई अच्छी बात है क्योंकि तुम्हारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारा स्ट्रगल नहीं है तो इसका मतलब तुम कुछ भी नहीं कर रहे, तो भाई आप जो करे वो करते रहो आपको मिल जाएगा। तो कैरी मिनाटी की तो ये स्टोरी आई, अब शायद 3 दिन तक वो शायद कुछ ना बोले, बट यहां पे जो रजत दलाल ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो डाली थी उधर उन्होंने कैप्शन में लिखा था कि वो पूरी वीडियो डालेंगे अब यूट्यूब के ऊपर जहां पे वो इस चीज के बारे में बात करेंगे, तो फाइनली उन्होंने अपने YouTube के ऊपर भी वीडियो डाली जहां पे वो कुछ ये बोलते हैं। लोगों को लग रहा है स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी या इसका मेरा कोई कोलैब आने वाला है, तो भाई मेरा कोई इस भाई के साथ कोलैब नहीं आने वाला, और मैं कोशिश कर रहा हूं मेरे मुंह से कोई गाली वाली ना निकले। भाई एक रिक्वेस्ट समझ लो भाई के तौर पे या कुछ भी कि मेरा पार्ट डिलीट करो और एक अपॉलॉजी की वीडियो डाल दो। पूछ के कर लेते कोई दिक्कत नहीं थी, हर्ष बेनीवाल ने वीडियो डाली थी उससे पहले पूछा था कि हां भाई बना रहा हूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मजाक मस्ती करना अलग चीज है भाई, अगर मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं है तू मेरे को छपरी बोल रहा है
तो भाई ये सारा सीन चल रहा है, जस्ट इमेजिन कि भाई रजत दलाल यहाँ पे कैरी मिनाटी को पकड़ ले एंड दे चाटे चाटे मार दे, तो क्या लोग यहाँ पे रजत दलाल को छोड़ देंगे ऑनलाइन? ऑफलाइन तो मेरे ख्याल से मुश्किल है, बट ऑनलाइन क्या रजत दलाल के पेजेस को यहाँ पे रहने देंगे लोग? क्योंकि भाई आज से पहले जो टिकटॉक का पंगा हुआ था उसका हेट अभी तक मिलता है लोगों को। एंड दूसरी बात ये, जो कैरी मिनाटी ने अपनी वीडियो डाली थी, वीडियो स्टार्ट होने से पहले उन्होंने यहाँ पे ये डिस्क्लेमर भी डाला था कि भाई उनका कोई भी इंटेंशन नहीं है किसी को डिफेम करने का, बट रजत दलाल ने अपनी वीडियो के अंदर बोला कि भाई आप लोग मुझे डिफेम वगैरह कर रहे हो। ये कैरी ने जो वीडियो डाली है ना, मैंने इसको आज तक कुछ बोला ना, मेरा लेना ना देना ना पुराना कोई कलेश। तो भाई अगर आप आउट ऑफ नोवेयर आके डिफेम करोगे किसी को, तो आपके पास फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे, बहुत अच्छी बात है, जरूरी थोड़ी है ऊपर वाले का हाथ आपके सिर पे हो। तो भाई ये चीजें नहीं चलने वाली। और आज तक अगर किसी ने आपको कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं करा, और आप ये सोच रहे हो कि आप आपको कोई छू नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो ये चीज गलत है। एंड डिस्क्लेमर में उन्होंने ये भी बोला था कि भाई ये वीडियो फुल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, किसी को भाई हेट स्प्रेड करने की वजह से नहीं है। वेल आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। देन हम बात करने वाले हैं यहाँ पे भाई पुनी सुपरस्टार और फुकरा इंसान की कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में। तो ये सब स्टार्ट होता है यहाँ पे जब थगेश का एक न्यू एपिसोड आता है लफड़ा सेंट्रल का, जिसके अंदर मिथपैट भी होते हैं पुनी सुपरस्टार भी होते हैं। एंड इस वीडियो के अंदर ना यहाँ पे पुनी सुपरस्टार फुकरा इंसान को मजाक मजाक में ट्रोल करते हुए ये बोल देते कि भाई फुकरा इंसान कुछ भी नहीं है और फुकरा इंसान को जो फेम मिला है वो पुनी सुपरस्टार की वजह से मिला है। और क्या क्या बोलते हैं उसका एक छोटा सा पार्ट आप लोग देख सकते हैं। बाकी टैलेंट भाई जीरो है फुकरे में भाई, मैं तो खुल कह रहा हूँ हिंदुस्तान के सामने कोई टैलेंट नहीं है दोनों भाइयों में। और एक उसका भाई है ना, वो क्या नाम है उसका, नल्ला, वो भी टैलेंट नहीं है उसके में भी। वीडियो डालता नहीं है, पता नहीं इतने फॉलोवर कहाँ से हो गए भाई के, 3 साल में 50 वीडियो डाली है। दोनों भाइयों को फेमस कराने वाला मैं ही हूँ, ट्रिकेट को फेमस कराने वाला, ट्रिकेट के शो पे मैं गया था फेमस हो गया था, 16 मिलियन व्यूज थे उसके बाद हाइप में आ गया था। फुकरे को फेमस करवाने वाला मैं ही हूँ, बिग बॉस में मेरे साथ साथ घूम रहा था पीछे पीछे फेमस होने के लिए, फुटेज खाने के लिए, मीम बने तो जबरदस्ती साला मीम वालों की मजबूरी आ गई, बड़ी कोशिश करी एडिटिंग वालों ने उसकी मीम छुपाने की, मीम काटने की, लेकिन बिल्कुल चिपक के बैठा था तो कहां से कटेंगी, उसकी फुटेज आ गई भाई ले जा, जो भाई शो में फेमस हो गया क्या करें भाई। एंड इसके बाद कुछ लोग यहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं पुनी सुपरस्टार के ऊपर, जहाँ पे वो थगेश को टैग करके बोलते कि आपने पुनी सुपरस्टार को अलाउ कर रखा था कि वो यहाँ पे गलत बातें बोले अभिषेक के अगेंस्ट, मतलब फुकरा इंसान के अगेंस्ट, ताकि ज्यादा एंगेजमेंट वगैरह मिल पाए। तो क्या यही सच्ची दोस्ती होती है? और पुनी जो है वो बहुत ही डिस्गस्टिंग मैन है, और पुनी सुपरस्टार शायद ये भूल गया जब सब उसके अगेंस्ट थे तब फुकरा इंसान ने उसे सबसे पहले बात करी थी। एंड लोग इसके काउंटर में पुनी सुपरस्टार की ये वीडियो भी दिखा रहे थे। बिग बॉस का मैं माँ की कसम खाई कहता हूँ, घर वालों की कसम, भाई असली विनर है मेरी नजर में, और मेरे घर वाले खुद बोलते हैं कि अभिषेक विनर है, क्योंकि भाई ने जो है एंड तक भाई ने कंटेंट दिया है। तुम्हारे को सबसे घटिया कंटेस्टेंट कौन लगा बिग बॉस का? घटिया कंटेस्टेंट भाई असल में बताऊं मैं खुद ही लगा था, सही बताऊं तो मैं तुम तो हो ही मैं क्या कह रहा हूँ तुम तो हो ही। एंड इसके बाद फुकरा इंसान सारी चीजों को देख के ना कुछ ये ट्वीट करते हैं, जहाँ पे वो ये बोलते हैं कि आज के टाइम पे अगर व्यूज लाने हैं ना तो तुम्हें कंट्रोवर्सी ही करनी पड़ती है, एंड ये कोई मजाक भी नहीं है। बट लोगों को भाई यहाँ पे भरोसा ही नहीं हो रहा कि भाई ये सच है कि झूठ है। कुछ लोग कमेंट में ये बोल रहे हैं कि भाई हमें पता है कि तुम ही अगले गेस्ट होने वाले हो लफड़ा सेंट्रल एपिसोड के अंदर, तो ये सब कुछ सेटअप है। एंड अगला बंदा यहाँ पे फुकरा इंसान को एक्यूज कर देता है, जहाँ पे वो ये बोलता है कि फुकरा इंसान का जो रिएक्शन चैनल है, तो उस रिएक्शन चैनल पे उनकी काफी क्लिप है जो कि UK07 और अलविश यादव के अगेंस्ट होती है और वो कॉन्ट्रोवर्शियल होती है, बट यहाँ पे फुकरा इंसान उनका नाम यूज करके यहाँ पे व्यूज लेते हैं। इवन यहाँ पे फुकरा इंसान ने यहाँ पे पुनी सुपरस्टार को इनवाइट करके सिस्टम भी बुलवाया था बहुत ही ऑफेंसिव वे में, तो भाई ये तो बहुत ही तगड़ी आयरनी हो रही है। एंड इसके बाद फुकरा इंसान अपने इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव आते हैं, जहाँ पे वो कुछ ये बोलते हैं। पुनीत याद कर रहा था भाई, इज नॉट रेलेवेंट ब्रो एनीमोर, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट हिम। कल ऑनडा भी लाइक वेल आपके हिसाब से यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। देन हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ध्रुव राठी वर्सेस नीतीश राजपूत के बारे में। सो यही दोनों यहाँ पे पॉलिटिक्स या स्कैम के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, बट यहाँ पे काफी लोग एक्यूज करते हैं कि भाई ध्रुव राठी ना यहाँ पे भाई बाइस रहते हैं, बट नीतीश राजपूत जो है वो यहाँ पे न्यूट्रल रहते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे सबको क्रिटिसाइज करते हैं। इवन मैक्सर ने भी भाई यहाँ पे एक बार ट्वीट करा था, जहाँ पे उन्होंने ये लिखा था कि भाई नीतीश राजपूत यहाँ पे आपको एक्सपोज करता है, यहाँ पे कांग्रेस को एक्सपोज करता है, इसके साथ साथ बीजेपी को भी एक्सपोज करता है, इसलिए लोग यहाँ पे नीतीश राजपूत को न्यूट्रल बोलते हैं। बट यहाँ पे ध्रुव राठी ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक वीडियो डाली, एंड वो वीडियो यहाँ पे न्यूट्रल के रिगार्डिंग ही थी। एंड यहाँ पे वो ये बोलते हैं कि भाई जो लोग अपने आपको न्यूट्रल बोलते हैं ना, वो एक सिचुएशन सोचो कि भाई एक बस्ती में ना यहाँ पे आग लगी हुई है, अब कुछ लोग उसे पानी लेके बुझाएंगे, कुछ लोग यहाँ पे मिट्टी का तेल डाल के उसको जलाएंगे, बट यहाँ पे जो न्यूट्रल बंदा है वो यहाँ पे पेप्सी की बोतल लेके बस आग जलते हुए देखता रहेगा। तो क्या यहाँ पे सच में न्यूट्रल बंदे सही होते हैं? तो लोग अकॉर्डिंग उन्होंने ये इनडायरेक्टली ना नीतीश राजपूत के लिए बोला है। एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग यहाँ पे ध्रुव राठी को सपोर्ट कर रहे थे कि ध्रुव राठी ने भाई उनकी आंखें खोल दी, एंड कुछ लोग बोले थे कि भाई कांग्रेस को वोट करो वगैरह वगैरह। वेल आपको क्या ओपिनियन है इसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। नाउ हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टी सीरीज वर्सेस मिस्टर बीस्ट की कॉन्ट्रोवर्सी को लेके। तो भाई आज टी सीरीज ट्रेंड हो रहा था, बट ये ट्रेंड क्यों हो रहा है? वो हो रहा है मिस्टर बीस्ट की वजह से। तो भाई मिस्टर बीस्ट ने कल यहाँ पे टी सीरीज को चैलेंज कर दिया
एंड वही चैलेंज जो कि अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, अमेरिका क्या बोलू मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में काफी ज्यादा पॉपुलर है, एंड वो चैलेंज है बॉक्सिंग मैच के लिए। तो भाई उन्होंने टी सीरीज को चैलेंज करते कुछ ये लिख रखा है कि मैं टी सीरीज के सीईओ को चैलेंज करता हूँ बॉक्सिंग मैच के लिए, एंड वैसे भी सिर्फ 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स का गैप रह गया इन दोनों के बीच में। एंड लोग ना इस चीज को कंपेयर कर रहे हैं प्यूडीपाई से, क्योंकि प्यूडीपाई के साथ जब टी सीरीज का पंगा हो रहा था तो प्यूडीपाई ने भी यहाँ पे चैलेंज करा था टी सीरीज को, वो क्लिप आप लोग देख सकते हैं। No more lame boxing matches. I challenge T-Series into a saber fight. Like real men. I'm throwing my glove at you, T-Series. Fight me, IRL, to the death. No boxing glove and helmets. I'm talking about to the death here. And यहाँ पे जो इंडिया के बाहर के लोग है ना वो तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो कमेंट सेक्शन में ये लिख रहे हैं कि सब वो टाइम बेबी और अब मजा आएगा, इससे बढ़िया चीज और कुछ नहीं हो सकती। बट टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे इंडिया में अब किसी को इस चीज के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। एंड मैक्स टेन भी इस चीज के बारे में कुछ ये बोलते हैं कि इस बार ना कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है टी सीरीज को सपोर्ट करने के लिए इंडिया के अंदर, तो ये एक वन साइडेड बैटल है। एंड और भी लोग कमेंट करके बोलते हैं कि भाई किसको फर्क पड़ता है कि भाई क्या हो रहा है, और वी डोंट केयर यार। एंड सच बोले तो भाई किसी को फर्क पड़ भी नहीं रहा है, लोग ऑलरेडी एक बार प्यूडीपाई वाला सीन देख चुके हैं, वही सेम चीज दोबारा रिपीट हो रही है, तो लोगों को मजा ही नहीं आ रहा, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। वेल आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। देन हम बात करने वाले हैं एक इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर के बारे में जो कि यहाँ पे भाई खुलेआम लोगों के सामने बोल रहा है कि अभी जो आरसीबी वर्सेस सीएसके का मैच होने वाला है उसके अंदर वो स्टेडियम के अंदर घुसेगा एंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भाग के जाएगा। लाइक लिटरली सामने से बता रहा है कि भाई मैं यहाँ पे ना क्राइम करूंगा। एंड इतना ही नहीं भाई, इसने अपनी वीडियो के अंदर ये भी बता रखा है कि भाई वो ये चीज कैसे करने वाला है, तो सिक्योरिटी ब्रीच करने के लिए ना इसने पूरे स्टेडियम का भाई बता रखा है कि कहां से आप लोग ब्रीच कर सकते हो, कि एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड तक आपको कैसे जाना है, और ये चीज के लिए ना आपको एक पर्टिकुलर जगह पे जाना पड़ेगा क्योंकि बाकी सारी जगह यहाँ पे भाई प्रोटेक्शन वगैरह लगी हुई है जिससे आप लोग ना जा पाए। प्रोटेक्शन क्यों बोला मैंने, सरिये, नुकीले सरिये लगे हुए हैं, मतलब क्या टाइम आ चुका है लोग सामने से बोले कि भाई हम सिक्योरिटी ब्रीच करेंगे अगर हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं तो। आई मीन उनको कॉन्सिक्वेंसेस की पड़ी ही नहीं है मेरे भाई। मेरे ख्याल से ना उनको ना उस बंदे का वीडियो देखना चाहिए जिसने आज से पहले यहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच करी थी विराट कोहली से मिलने के लिए, एंड उसने कॉन्सिक्वेंसेस बताए थे कि भाई इससे कंट्री का नाम भी कैसे खराब होता है। वेल अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है ना जो उस बंदे ने बताई थी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा उसका लिंक। बाकी मेरे भाई इस वीडियो के लिए इतना, अगर वीडियो अच्छी तो वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, एंड अगर आपके पास कोई न्यूज है तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है आप लोग वहां पे आकर दे सकते हैं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।